धूम्रपान और मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है। जरा सबर करो बेटा, सबर करो। अल्लाह, बच्ची मेरी दर्द से तड़प रही है। अल्लाह, कोई नहीं है यहाँ हमारी मदद करने वाला, तू देखे तो ऐसी है। सबर कर बेटा, जरा सबर कर बेटा। नहीं, क्या हो गया आज? एक ऑटो भी नहीं है। जरा गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको। जरा रस्की करना जाना है, बच्ची को लेंगे। ये क्या आप है अम्मा, ऑनलाइन में बुक करना पड़ता? मेरा बच्ची की हालत तो देखो, दर्द से तड़प रही। क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते अम्मा हम लगा। रुको रुको, जतीजाने जाना है, बच्ची तड़प रही बेटा। डेंजर के रास्ते में घुस गया था, पर अपने से ना होता जी अम्मा। सब लोग ऐसा बोले तो कैसे? रास्ते से गुजर जाऊंगा, चलिए चलते हैं जजगीर खाना। हेलो, चलो बैठो। जरा हल्लू चलाओ, ऐसा क्या चला रहे, ऐसा क्या भगा रहे? बच्ची को धचके लग रहे ना, जरा देख के चलाओ। अरे हल्लू चला रहा हूँ माँ, भाऊ है बेटी है। आई भाऊ है बाबा। भाऊ को चाहने वाली सास को पहली बार देख रहा हूँ। वो भी तो बेटी होती ना। इतना परेशान कर रहा बोले तो आने के बाद क्या अंगार लगा? गुणे जी बुढ़े को भी क्या बोलूं मैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माँ और बेटा दोनों सलामत है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। पैसे ये लो बेटा, गिन लो। ये
तो सरकारी दवा खाने को कहीं कुछ आते रहे। चलो निकल कर लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसके वास्ते लाइफ लॉन्ग फ्री। आप लोग घर किधर है बोलो, छोड़े नहीं बेटा। ऑटो वाला जोश भरा लेके फिर ये ऑटो लगा खुदा कसम की चांद मिल गया, घुमा फिरे सारा शहर, वो हंसी दिल में बसी मजा आ गया। बदन में बीमार बज रहा है, लड़की पट गई वो यार, मुंह से निकल गई सुन लो यार, सीधे मुद्दे की बात, मैं हैदराबादी हमसे कर ले शादी, वो तो सपनों की रानी थी असल में छोड़ गई यार। क्वार्टर पी लेंगे यार, मैटर सुन लेंगे यार, हमसे कर ले तू प्यार, बातें कर ले तो साथ। छोटे बड़े पैसेंजर आ, जो मेरी गाड़ी चली आगे बढ़ेंगे, कभी कभी ऐसा लगा वो मेरी पागल बहन चाचा भतीजा। सबके सेपरेट रहता है, हंसते चलने दो यार, पल दो पल का ये रिश्ता है, दिल पे मत ले लो यार। मैं तो यारों का यार सबसे करता हूँ प्यार, कोई मिलता है जाता है, छोड़ो हम लेके ले ले यार। मैं ऑटो वाला दोष भरा लेके फिर सारा जमाना, ये गाड़ी मेरी जहाँ चली गली गली गाना बजाना। ये ऑटो है सलमान का, डोंट वरी यार, दिन हो या रात रेडी यार, मीटर गिरने दो यार, मैटर चलने दो यार, हमसे चलने दो यार, बातें करने दो यार। तुम्हारे खरीन मोरी नाता है। आई वॉन्ट टू ड्रग्स ड्रग्स वेरी ना बुरी ना सा, वेयर इज द ड्रग्स इन हैदराबाद? आई गिव करेंसी, यस ब्रदर, प्लीज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, प्लीज हैदराबाद, वेयर इज द ड्रग्स इन सेरिल? आई गिव करेंसी। ऐसा बोले तो हो गया था, घुटनों में दर्द, दिल में दर्द, हर मर्ज की दवा है मेरे पास पेशेंट। नॉट दिस ब्रदर, आई वॉन्ट टू ड्रग्स। ओहो दरगा, वो शरीफ दिखरा बाप, कोठी दरगा, जहांगीर पीरों की दरगा, पाड़ी शरीफ की दरगा, यीशु बाबा की दरगा, तमाम यूरिन अल्लाह खालसा। आई वॉन्ट टू ड्रग्स मैन, यू डोंट अंडरस्टैंड। तुम आमन था पाकिट मेरा घर को पकड़ा। अरे यूरिस तो बनी रहना है।
आई एम हेल्पिंग यू योर ड्रग्स प्लेस या माशाल्लाह 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 वेयर इज द ड्रग्स प्लेस कम ऑन लेट्स गो हाउ मच मनी यू आर गिविंग यू पेइंग द मीटर पे 500 रुपए ज्यादा देना तू आई गिविंग 1000 रुपीज ब्रदर तेरे बाला पसंद आए बोल के लेके जा रहा हूँ पीछे भाई थैंक यू कम ऑन जम पे हाथ डाल रहा क्या रे रॉन्ग कैरेक्टर क्या थैंक यू सो मच ब्रदर दैट प्लेस नो चेकिंग नो कॉल प्रॉब्लम अरे डर रहा कहीं को पट्टे अपने पास लाइसेंस है पोल्यूशन है ड्रेस भी है यू हैव अ ड्रग्स लाइसेंस ब्रदर माशाल्लाह इंडिया इज अ वेरी नाइस पॉपुलर नाइस ये टी शर्ट पे तो दोनों तेरे भाई उसको पल्लवान ठगने की आदत है दो मिनट में ऑफिस कैकुरे उजाड़ फैशन पीछे से पूरा पोटी दिख रहा ना ओ माय गॉड अरे कैकु चलती क्या अरुण भाई हा? काले को शक्कर चाहिए यस नो बिग वन यू गो तेरा काम हो गया हाउ कमला रहा यार अरुण भाई आजकल शहर में शक्कर के दुकान बहुत हो चुके दुकान जितनी भी हो जाए माल माल में बहुत फर्क होता है यार मजा अलग है जिसके साए में इतना सेव धंधा चल रहा है एक बार उसका दर्शन करा खतरे से कोई खाली नहीं नीचे कोई है क्या चल तू दो बार पैकेट मार दिया मेरी ने दो बार कैसा मारा रे तुम आगो मालूम ना ढाई में हाफ आती पाँच की थी ढाई निकाल के ढाई रखने गया पकड़े गया चोरी करना गुनाह नहीं है रे चोरी करके पकड़े जाना गुनाह है आप थक गए होंगे ये पानी पी के फिर फोड़ो इसे अरे थक गया मैं अच्छे अच्छों को पानी पिला दिया तेरे सुसरे की जी में टू ये किधर डालूं सब वो ग्रीन डाल में डाल सब ग्रीन में या ब्लू में वही डब्बे में सब तो बच्चों पर बहुत खर्चा करा Thank you.
क्या हुआ पट्टे? स्टेशन में बहुत दबा के दिए जैसा दिख रहा तुम्हारे को। व्यवस्था शुरू करो। क्या हुआ रे भाई, कई को कांप रहा तू? तुमसे हुई क्या? कुछ भी ना उस्ताद, पियो। ऊपर गरम, नीचे ठंडा, अच्छा मारा रे डंडा। बर्फ डालूं क्या उस्ताद? कहां से तो भी निकाल रहा रे बर्फ तू। हाँ, ये आइस की सील पे कई को बैठा रहा तू? तुम्हारा को मालूम है ना उस्ताद, पुलिस वाले मार मार के मेरी टू गरम कर दिए सो, ठंडक पहुंचाने को, इसलिए बर्फ पे बैठो। मैं बोला बोल के और दबा के दिए जैसा दिख रहा इसको। ये आइस को छोड़, तेरी आयुषु कैसी है ये बोल, याद रखी? भूल गई तेरे को? उसकी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है बस, कल मिलेंगे तो दो तीन दिन तो याद रखेंगे ना। उसको तो लाइफ पार्टनर बनाना है। मेरी छोड़ो उस्ताद, तुम्हारी सुनाओ, कब आएगा वो दिन? कब कब मिलेंगी वो खाबों की रानी? क्या बताए कि प्यार क्या होता है, कभी करार तो कभी बेकरार होता है। वाह वाह, अजब होता है उस वक्त दर्द दिल है, जब किसी का इंतजार होता है। वाह 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 वाह। अरे ये क्या मैली तुवाल रखे जी, दो तुवाल लाया था ना, एक मैली भी तो एक धोई भी रहती बोल के। वाला धोने भी हाथ में हो रहा शायद। यार जमाना सलमान का ही दीवान। देख दादा पार्टी में तो इसको बोलते आ, 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 आ। नहीं सुधरते जी तुम, इसको नाश्ता बोलते, रात का बासी रख दिए। नाश्ता बोले तो तले हुए गुर्दे, कलेजी, शामिया, पाया, जबान, कम से कम तले हुई भेंडी तो रखना। दिन भर गधे कैसा मेहनत कर तू? पहली बार सही बोला तू गधाई से, जाते जाते वो बला तेरे को मेरी जान पे डाल के गई। कहीं भी नहीं गई वो बला, साथ मेरे ऑटो में छे। दादा को बला बोल रहा रे, मेरी खिलाफत का नाजायज फायदा उठा रहा कमीने। जरा तुम्हारा पल्लू तो दे। खाली अपने कपड़े देख ले, घर को नको देख, मेरे को नको देख। कोई न कोई चाहिए प्यार करने वाला, दिलो जान लुटा देंगे हम तो उसी पर, साधु में बिताएंगे शाम सहर। आधा वर्ष से हाँ जनाब, मोहलपुरा चलोगे आप? तशरीफ रखिए, चलने के लिए ही तो है हम। चलिए बेगम बैठिए। ये चांद सरमचन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें। ये चांद सरमचन चेहरा गारा, पहले देख उसकी कमर पे तिल है नहीं है, उसके बाद गा। किराया नहीं लिए तो नहीं चलता। ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें, कह रहा था। बस बस जनाब बस, वाह वाह, सुबह सुबह आपने तो मूड फ्रेश कर दिया। क्या बात है, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, वो झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। अरे जनाब तारीफ तो उस खुदा की। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, जिसने जहाँ बनाया। कहाँ से आ रहे हैं आप? लखनऊ से आ रहे हैं। नाचीज को अख्तर लखनवी कहते हैं, खाकसार छोटा मोटा शायर है, अगर इजाजत हो तो चंद अशार सुना दूं। इशाद इशाद, हजारों आफतें हैं,
हजारों आफते हैं फिर भी जिंदा हूँ, हजारों आफते हैं फिर भी जिंदा हूँ, जब से हुई है शादी बेगम से शर्मिंदा। बस मौका मिल गया, शुरू हो गए। अबू जान लिए ना। जनाब बड़ी खुशी हुई आपसे मिल के। लखनऊ के दो पान बज गए हैं, अगर इजाजत दें तो एक आप नोश फरमा लीजिए, एक नाचीज नोश फरमाएगा। शुक्रिया, ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आदाबुर से जनाब। शर्मिंदा साहब, इस नाचीज को भी पान की नहीं दिलवाले चांद की तलाश है। पूरा घर खंडर के जैसा पड़ा हुआ था, कितने दिनों से साफ नहीं करे थे, पूरा साफ करना पड़ा। ठीक है दीदी, अच्छा हुआ सोफे पे कपड़े ओढ़े हुए थे, वरना वो भी खराब हो जाते। आपने अकेले साफ कर दिया पूरा? बेटा आपकी तारीफ। रेड्डी साहब भी बहुत तारीफ करते हैं मेरी। ठीक है। रेड्डी साहब कैसे है बेटा? बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह, हमारा पुश्तैनी मकान जैसा था आज भी वैसे ही है। हाँ दीदी, रेड्डी साहब स्कूल में जॉब के लिए बात कर लिए, कल जॉइनिंग है, मैं लेकर जाऊंगी तुमको। ठीक है दीदी? ठीक है ठीक है ठीक है बाबा। हाँ तुम भी बहुत थक गई होगी, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। हाँ नाश्ता तैयार है। अरे आंटी आप भी मेरे वैसे बात करते हैं। बेटा आप नहीं जानती, ये भी यहीं की है, हैदराबाद में ही पैदा हुई, यहीं की रहने वाली है। देखो भाई, आज के जमाने में कोई ऐसी पत्नी है जो अपनी पति की जो ऐसी सेवा करती, मगर ये दुनिया में मैं ही वो बड़ा किस्मत वाला हूँ जो मेरी किस्मत में कभी खुशी नहीं मिली, क्योंकि मेरी शादी बचपने में ही हो गई थी। वो देखो मेरे ससुर इनकम लाल अपने कारोबार के साथ साथ अपनी बेटी 105 किलो मेरे पास सौंप के चले गए, मगर मेरी पत्नी क्या क्या नहीं करती। कड़वा चौथ का व्रत रखती, तरह तरह के पूजा करती, 25 साल से ना आज तक कोई फायदा हुआ ना कोई पैदा हुआ। आ रहा हूं। आज कौन सा बर्थडे? सुनिए ऑटो वाला सलमान आ गया, आ रहा हूं। साफ सुथरे लोगों को बिठा, सुबह की पहली सवारी है ये। अरे मेरा धंधा खराब ना करो। ये लीजिए सलमान भाई, इनको 11 बजे छांछ, 1 बजे खाना, 3 बजे बोनविटा और 5 बजे सेम, यहाँ से खिला देना। ठीक है, क्या बोले? वो यहाँ से खिलाया तुम, यहाँ से खिलाया था। ठीक है। हाँ सुनिए, किसी को फाइनेंस देते वक्त थोड़ा देख के दीजिए। जरा क्या, मैं पूरा देख के देता हूँ। डाल दिया सलमान भाई, अपन चलेंगे। बदल लिया। खाने के लिए फिर ये मेरे को दे दो। मम्मा मेरा सेब। सेबा कहीं कुछ अंदर तो तरबूजे रखे हुए, जाओ दीप लगा के जाओ। वो हमेशा खुली रहती। बहुत गली से। हाई स्कूल बॉय, शुरू करेंगे क्या? पहले आप नहा लेना था। थोड़ा चेस रेडी का उन्नानो। अच्छा तेलुगु में बोल रही शायद, नहा के धो के रेडी है बोल के। नहीं फिर से नहाओ आप। दोनों मिलके नहाएंगे क्या? नहीं तुम अकेले नहाओ। यस आ गए। हेलो मैडम। साहब क्या कर रहे? साहब अभी देखना शुरू करे। क्या बात है, देखना
क्या देखना शुरू करें? वही, उनको हर चीज देख के देने की आदत है ना। अच्छे से देख के पैसे देना बोलो। वो तो उन्होंने पहले दे दिए, इसमें उनको बहुत जल्दी रहती ना। आराम से देखो बोलो। मेरे को देखने की आदत नहीं है मैडम, मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ पैसे। आपको कुछ खिला दिए? खिला दिए, सुला दिए, धुला दिए जैसा भी दिख रहा मुझे। हाँ सलमान जी, ये तो फेल हो गया। तू पास करा दे। अटोली चौकी दरगाह आईडी। पुराना सामान दो चने लो। अरे ये जलील कुत्ता फिरा गया देख। अटोली चौकी दरगाह आईडी। पुराना सामान दो चने लो। अटोली चौकी दरगाह आईडी। पुराना सामान दो चने लो। अटोली चौकी दरगाह आईडी। पुराना सामान दो चने लो। भाई पैसे ज्यादा लेना है तो ले, मगर दो आदमी से ज्यादा नहीं बिठाना, पहले बोल दे रहा हूँ। आप फिकर मत करो, बैठ जाओ। फिकर कहीं को ना को करो, एक बोलते एक करते तुम ना। अरे अरे ये क्या है? अरे मेरी कमर दुख जाती, एक खिंचाऊं ऊपर लेता बाकी रोड है। अरे इन्हें तो नीचे से ऊपर तक पूरी काली है, अब इसमें तिल कहाँ से ढूंढूं मैं? ए जाबे। अरे जा आगे काली पैर लगा। इतने लोगों को सुता लिया, पैर रखने की जगह नहीं है, आगे कोई भी आ गया तो फिर कौन मारेगा रे? अरे जिसकी मौत का डर है उन्हें मारता। एक दो तीन रुक जा जरा, टू व्हीलर गाड़ी पे दो ही जने बैठना, कई को बोले तो दो ही पहिए रहते ना। हंस रहे कई को रे? मैं चुटकुला सुना है क्या? दो पहियों की गाड़ी में दो जने बैठे तो छह पहियों की बस में छह जने बैठना क्या सब? स्टेशन के अरे अरे सुप्पू इधर देख, उन्हें भर के आ रहा। इसको छोड़, उसको पकड़ पहले। तो हमला क्या करना साहब? तुम लगा जाओ, ऑनलाइन में दबा के आता घर पे। ए रोक रोक, अरे अरे अरे, उसमें ड्राइवर कौन है देख रहे? साहब बोला रहे आप ही का पहला दिन आखिरी हुए जैसा दिख रहा। क्या हो रहा क्या हो रहा, ये जुलूस को लेकर कहा तो भी जा रहा। हाँ क्या है ये तमाशा? अरे ये ऑटो में 4 in all है, 14 all नहीं है। अगर टक्कर हुई ना ऐसा चिपक जाते, बाद में थोड़े से ऐसा खींचना पड़ता। उसके वास्ते इतना साहब ये हेलमेट पहना, जान गई परवाह नहीं, सर तो बच जाता। हाँ पेट का सवाल है मेरे पीछे और बहुत सारे पेट है साहब। अरे इतनी जरूरत है तेरे को पैसों की? ये ले मेरे कलेक्शन। ये क्या तो भी कर रहा रे? टेस्ट अच्छा आखिर वो टिलवा ले गए, क्या तो भी सस्पेंस है उस्ताद, जिसको इस्ताद ढूंढ रहे। जिस तरह चांद के दामन में तिल है, उसी तरह मेरी महबूबा की कमर पे भी तिल है। अच्छा तो वो तिल में तुम्हारा दिल है? आखिर वो तिल वाले कब मिलेंगे? मिल ही जाएगी। उठ जा।
पूरे मोहल्ले में मेरे को रख दिया। अरे ठहरो, अरे अरे मैं क्या कर रहा जी? तब मना झांकरा कते बम्बियां झांकरा कते। मैं वो तिल वाली को ढूंढ रहा था जी। अरे तेरी तिल की ऐसी की तैसी के बुड्ढे पे मट्टी पड़ो, मेरी जान पे अजाब डाल के गया ना। सौखत बोली शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। काम करते करते मेरे हाथा पैरा लकड़ियाँ बन गए। अरे हाउ जी दादी, भाव को लाता हूँ, जरा वो तिल वाली तो मिल जाए। तेरे तिल को क्या ना करूँ, आज मैं मिर्जा के घर को जा रही हूँ बच्ची की बात करने। बच्ची गोरी घूमती अच्छी है कहते, लाड बाजार में तिला मिलता ही, लाके जहाँ लगाना है लगा ले मेरे से। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है वो ही आज। अरे क्या सलमान भाई, ये कोदन के भी अजीब किस्म के शौखा दिख रहे। मैं पंप मार मार के मेरी टू मीडियम हो जा रही। एक काम करो, तुम नीचे आके पंप मार लो, मैं ऊपर आके फुरवारी डाल लेता हूँ। नीचे आ रू रे, नीचे आके पंप नहीं मार, तू तेरी पैसे नहीं ले रहा। कहा रहे हो सीढ़ी कहाँ लगाया, बहुत एडवांस हो जा रहा तू। पहले ये बोल बिजली की तैयारी करा। तुम बोले जैसा वाइट साड़ी खुले बाल रखकर आ गए मैं। मस्ती की। अब अंदर जाऊं? एक मिनट और एक काम बाकी है। अरे अब समझ गई ना, समझ आधी रात को भीगी हुई अकेली लड़की है तू, अब जाके दरवाजा मार। ठीक है। चल रहे रे, कितनी देर घूरता उसको। क्या आज रात को मैं यहाँ रुक सकती हूँ? मेरी गाड़ी यहाँ रुक गई है, बाहर मौसम भी बहुत खराब है। ठीक है, तुम अंदर जाओ और कपड़े चेंज कर लो। जी शुक्रिया। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। वाकई में आज मौसम बड़ा बेईमान है। हाँ बोलिए मैडम। सांप क्या कर रहे? भाप ले रहे। क्या सांप को सर्दी लग गई? ओ मैडम यहाँ बारिश पड़ रही ना। क्या बारिश? यहाँ तो बारिश ही नहीं है ना। अरे मैडम आपको मालूम है ना, टोली चौकी में बारिश हुई तो मेहदीपट्टनम में नहीं होती, मेहदीपट्टनम में हुई तो टोली चौकी में नहीं होती। हाँ हाँ सही बोले, सांप क्या ज्यादा बिके क्या? बिजली के डर को चिपक रहे। चिपक रहे किसको? व्हाइट खूबसूरत चिकनी दीवाल को। सुनो तुम सांप का ख्याल रखना। आप टेंशन न को ले मैडम, पूरा मैं संभाल लेता हूँ। ठीक है ठीक है, तुम जरा सांप को जल्दी कर ला लो। ठीक है मैडम मैं ला ले तू, टेंशन न को ले। बस बस अब तुम जा सकती हो। इतनी जल्दी भेज रहे हो? मैं जो पिक्चर देखता हूँ उसमें इतना ही होता है। आगे का पिक्चर मैं दिखाती हूँ। नहीं पीरियड होगा, तुम जा सकती हो, तुम जाओ जाओ आ जाओ। मेरी पिक्चर का डी एंड हो चुका है। चलो बच्चों दूसरा खेल कल खेलेंगे, ठीक है? बाय बाय बाय। हाय दीदी, आपको स्कूल को आने जाने के लिए ये मुश्किल हो रही ना, मैं इंतजाम कर डाली। ठीक है। रोज आपको घर से स्कूल, स्कूल से घर लेके जाएगा, लेके आएगा। ठीक है। तुम तो बहुत फास्ट हो। लखनऊ की शहजादी है, स्कूल की टीचर है, देख के चला समझा। मैं भी हैदराबाद का तानेशाह हूँ। वो मैंने लाइटले को बोल डाली, वो इंतजाम कर देगा। ठीक है। लाइटले? नाम अजीब है, कौन है ये लाइटले? ओ लाइटले वो है। हाँ बाबा ठीक है, वो है, पर ऑटो कहाँ है? मुझे थोड़ा शॉपिंग करनी है। कब जाएंगे? कल या परसों? फ्री हो क्या? या अल्लाह फिर से चांद दिखा दिया। सारे हैदराबाद में फ्री ऑटो मिला है क्या?
ये लाइटली के खास दोस्त है, हैदराबाद में बहुत मशहूर है। इनका नाम सलमान है। कहीं को रोके? आज पैदल चले जाओ, कल से घर तक छोड़ दूंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। रास्ते में ही रोक दिया क्या? मैं बोली थी ना, ये बहुत मशहूर है, इनको बहुत काम आ रहे थे। चलो दीदी अपन चले। ये कैसा ऑटो वाला है, बीच में ही गाड़ी रोक दिया। अच्छा चलो। कितने फ्लोर का परमिशन होना आपको? 5। सलमान भाई, कोई नया बंदा है, 5 फ्लोर का परमिशन पूछ रहा। 5 लाख मीटर पे 5 लाख बोलो। तुम्हारा कमीशन ले लो भाई। ओके, मीटर पे 5 लाख होते साहब। ठीक है चलो, समझो तुम्हारा काम हो गया। ये हैदराबाद यहाँ नहीं आ सकता, लखनऊ नहीं है ये। लखनऊ से आ गए, घबरा मत, हम सब है ना तेरे साथ। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा बेटा, बस बस ना ना बेटा ना, बस 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 नहीं, बस बस सब है। शबनम बेटी, लखनऊ में जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। अब हम हैदराबाद आ चुके हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ चुके हैं, और यहाँ के बारे में किसी को भी नहीं पता। हाँ लेकिन हम लखनऊ से बहुत दूर है, यहाँ कैसे आ सकता है वो? और क्या, चलो चाय पी लो। नहीं, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटी, बैठो। अच्छा हुआ आयशु तू आ गई, इसकी हालत तो देख। क्या हुआ बेटा? शबनम रात से बहुत परेशान है। तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं। तो क्या परेशानी है? तबीयत तो ठीक है लेकिन दिल में थोड़ी सी घबराहट है। रात में अचानक चमक के उठी। बस इतनी सी बात है? मेरे को भी रातों को बुरे सपने आते थे, मेरे अम्मी मेरे को दरगाह को लेके गए, मैं अच्छी हो गई। कल जुमेरात है, कल दरगाह को जाएंगे, ठीक है? हाँ बेटा, आयशु के साथ जाओ, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। आओ दीदी। आप भी जाओ बेटी, दिल बहल जाएगा। फोन दो। कल शबनम दीदी को दरगाह को लेके जाना है, सलमान भाई से बोल देना, ठीक है? हल्लो बोलो मेरी जान, मैं भैरा नहीं हूँ। और सुनो, कल क्या क्या साथ में लेकर आना है लिख लो, बोलती हूँ, ठीक है? हाँ मेरे को मालूम है, आधा आधा खर्चा, पेट्रोल हम गाना ला लेते, पानी तुम ला लो, सैंडविच बर्गर हम ला लेते, बिस्किट आलू के चिप्स तुम ला लो। एक काम करो, मिर्दा बेलन तुम ला लो, आटा हम लाते, गोश भी तला के लाते, और सलमान भाई को तो समझा लेता हूँ, ऑटो का किराया लेते नहीं। आयशु फूलों की चादर लेंगे, चलो। हाँ चलो दीदी। क्या चुना लगाना है रे, दरगाह को तुम ला है, पेट्रोल मेरा, आशिकियां तुम ला करो, परेशान मेरे करो। ये देख मेरे दादा, नो भी हाथ पे नहीं लिए ऐसा। तुम्हारे वास्ते दुनिया करते, कभी कुछ बोला उस्ताद? हमारे वास्ते इतना नहीं कर सकते। अब एहसास कैसा ना करो। एक फूलों की चादर दीजिए ना भैया। शुक्रिया। दुआ करे दरवेश, भला करे बाबा, बेटी तेरी अब हर भला।
हर मुश्किल दूर हो जाएगी। तेरी हिफाजत करने वाला बहुत जल्द मिल जाएगा। दुआ करे दरवेश, भला करे बाबा, बच्चा बचपन से जिसकी तलाश थी वो बहुत जल्द मिल जाएगी। संभाल के रख खोना। गंडी पेट का पिकनिक स्पॉट। बॉडी वॉश करा के कितने दिन हो गए रे? तू रोजा ना नहा के निकलता ना? क्या बोले? ठहरा हो गया क्या? अरे कई को फिक्र कर रहे जी, पूरा पानी सुना है तुम्हारे भाव। उन्होंने हारे, उन्होंने हिला रहे, तुम कई को दूर रह के जला रहे। चलो उधर जाएंगे। हेलो, तेल लगा के आटे को ऐसा मसलना, रोटी भी तवे पे से पिसना। मैं जितना बोली उतना करो और नको जाओ। अब क्या शादी के बाद क्या कपड़े भी मेरे से धुला देगा? शादी के बाद क्या, अभी से कपड़े भी धोना, इस्त्री भी करना, ठीक है समझे? अच्छा, शादी के बाद के काम अभी से शुरू कर दीजिए क्या? छी, पाड़ पाड़। अरे सलमान, जरा दादी को अच्छा देख ले रहे? मैं हूँ ना जी जिंदा, तुम कई फिक्र कर रहे? अरे क्या गंदे पानी से नहला रहा रे, 150 दे के वाशिंग नहीं करा? इसको नहाना बोले तो किस्मत होना इसमें, समझे ना? क्या किस्मत होना की? हाँ। अरे अरे उस्ताद, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही। जब से वो शबनम टीचर तुम्हारे को पानी में से बचाई, तब से तुम मेरे को बदले बदले से नजर आ रहे। कोई ऐसा क्या किस्सा हुआ भाई पानी में? वारे किस्मत, पानी में ही बिछड़ गई थी, फिर पानी में ही मिल गई। वो उस्ताद, पानी में ऐसा क्या देख लिए तुम? अरे लाइट ले, एक बात बोल रहा हूँ सीरियसले। मेरे को जो तिलवाली की तलाश थी, सुना? वह तिलवाली शबनम टीचर है भाई। वो तिलवाली, वो लखनऊ वाली शबनम टीचर है? उस्ताद, किधर वो अनार की कली, किधर तुम प्याज की डली, उनकी नजाकत को तो समझो। उन्हों दूर से गए तो भी खुशबू आती, और तुम्हारे पास पेट्रोल की बो आती। उनके पास 2-3 क्रेडिट कार्ड होंगे, और तुम्हारे पास विजिटिंग कार्ड भी नहींगे। उन्हें ठहरी टीचर, और तुम स्कूल के घंटे भी नहीं सुने। तुम्हारे हाथ को
नियाने वाली है उस्ताद। रे धंधे के हाथ कुछ तीतर न लगते रे। आजकल तू देख रहा नहीं, ये पैसे वाले बड़े घराने के फोटियां अपने जैसे लोकलों कुछ पढ़ते। अब तू अपने दिमाग पे जोर दे और उसको पटाने का तरीका बता। अगर टीचर को अपनाना है तो पुराने तरीके अपनाओ। ये व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये सब चिल्लर हो गए। खून से लेटर लिखो, खून से। चल अब शुरू कर। अरे क्या क्या तो भी निकालता रहे नीचे से। सब जरूरत के चीजें नीचे से ही निकलते हैं उस्ताद। ऐसा कान जरा तेरा हाथ तो दे। काम के चीजें हाथ में से भी निकलते। मेरा खून के गुली कर रहे उस्ताद। मोहब्बत तुम्हारी उंगलियां हमारी। लाइट ले रे, लाइट ले। उसको क्या मालूम होता तेरा खून है या मेरा खून। आखिरी चीज है उस्ताद तुम, मौत है मौत। लिख रहा हूँ मेरे खून से। तेरे खून से। मेरे कमरे में ये लो। ये क्या है? लव लेटर तुम्हारे वास्ते लाया, पढ़ लो। आई डोंट नो। मेरे स्कूल से लिखा। पागल हो गए हो क्या? निकलो यहाँ से। तुम पढ़ लिए तो चले यार। ये क्या उल्टा सीधा लिखा है आपने? मैं बोले तो अनपढ़ हूँ, उल्टा पुल्टा लिखा। मगर आप पढ़ी लिखी है ना, आप सीधा पढ़ लो। लिख रहा हूँ मेरे खून से, सियाही ना समझना, नन्हे से मजबूर हूँ, लंगूर ना समझना। लंगूर, ये क्या है? मेरे खून से लिखा, खून से, खून से। क्या वास्ता, लेटर का फार्मूला पास हो गया क्या? औरत की कान भैरी। क्या मुलायम हाथ था रे उसका। वो तो दिख रहा तुम्हारे गाल पे। क्या बोला? गाल पे बोला। अब फार्मूला नंबर दो। मोहब्बत जिंदाबाद, बगावत का रास्ता, मुगले आजम। अंदाज यकीनन इनाम के मुस्तहिक है। दूराज कपूर भी हैदराबादी बोल रहा। दारोगा जिंदान, ये बदबूदार वैशी लौंडे को ले जाओ और थैले में बांध कर हुसैन सागर में फेंक दिया जाए। मुझ पर रहम कीजिए, कम से कम गंडी पेट के पानी में फेंकवा दीजिए। गंदे नालियां और मोरियों का पानी भरा हुआ है। हुकुम की तामील की जाए। जिले लाही, ये कैसे सजा सुना रहे हैं आप? ये ऑटो वाला जरूर है। हो गई है। जिले लाही, क्या मोहब्बत करना कोई गुनाह है? क्या मोहब्बत की सजा इतनी बदबूदार होगी? शट अप, तुम जानती हो ये किससे मोहब्बत करता है?
ये दो कौड़ी का ऑटो वाला जो चार मीनार से वट्टापल्ली से चार मीनार 10-10 रुपए में पैसेंजर को बिठा कर ट्रिप मारने वाला, जानती हो हिंदुस्तान की होने वाली मलिका को अपनी बीवी बनाकर ये खत बगड़े रोडों पर ऑटो में बिठा कर फिर आना चाहता है क्या हमें? इसे हुसैन सागर में नहीं मुस्ता नदी की गंदी नालियों में फेंक दिया जाए। जिलालाही रहम, जिलालाही रहम, रहम रहम जिलालाही। अरे अरे पागल हो गया रे बुड्ढा। जमाने के साथ साथ लोग भी बदल जाएंगे समझा था रे, मगर आज भी मोहब्बत के दुश्मन वैसे के वैसे चेहरे। मुगले आजम फिल्म में मोहब्बत का दुश्मन बाप एक ही था, मगर यहाँ बाप और बेटी दोनों मिलकर मेरे को मूसा नदी में ढकल दिए रे। भरोसा रखो उस्ताद, खाप हमेशा उल्टा होने के चांसेस है। अभी मॉडर्न फॉर्मूला नंबर 3 जाके कस के पकड़ना। इमरान हाशमी डायरेक्ट किसमें किसमें राउंड 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 कम ऑन। आप आउट हो गए हो? अस्सलाम। आप थोड़ा साइड में आएंगी? क्यों? बच्चों अब तुम लोगों को एक जबरदस्त मैजिक बताता हूँ। टीचर के दोनों हाथों पकड़ लो। सीधा मर्दानगी पे हमला कर रही है। तेरी तो इमरान हाशमी के आइडिया देके पहले मेरा नाम हैदराबाद में पक्का। उस्ताद एक और एक जबरदस्त आखिरी फार्मूला है मेरे। तेरे फार्मूले तेरे आइडिया तेरी टू रख ले। अब देखना सलमान के पटाने का तरीका। रुक रुक के कदम चलते हैं तो कमर बल खाई जाती है। खुदा जब हुस्न देता है तो खुद नजाकत आ ही जाती है। मैं कमर को बोला, कमरे को नहीं। आयशो ये कलर अच्छा है ना? ये मस्त है दीदी। हाँ ये पीला ड्रेस आपके ऊपर बहुत जचेगा। कितने से शुरू हो गया? चलो आयशो। सुनहरा परंदा बहुत खूब दिखेगा। समझ गया। भैया वो वाला दिखाइए ना। ये गोल्डन गोल्डन चूड़ियां आपके गोरे गोरे हाथों पे बहुत अच्छे दिखेंगे। गोरी है कलाइया मैं लाके दे तू हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मेरे को बाल माँ। आपकी हमारी जोड़ी खूब जचेगी और हमारी शादी होगी। ये तो खुद अपने पास ऑटो है। जहाँ तक पढ़े लिखे का सवाल है आप खुद टीचर हो। आप तो कैसा मालूम है टीचर हूँ बोल के? मैं आपको नहीं बोला आंटी। क्या बोला रे? आंटी दिख रही मैं तेरे को? आंटी ने तो 16 साल की पोटी दिख रही तू। ले लीजिए आपकी पसंद का सामान और इस नाचीज के तोहफे को कबूल कीजिए और एक बार हाँ कह दीजिए प्लीज। ऐसी हरकतें करके कोई किसी का दिल नहीं जीत सकता, समझे तू? चलो भाभी।
अरे अरे मेरे कई कुमार अरे अरे खरीदे से अरे मेरा जवाब कई को नहीं दे रहे जी तुम दो घंटे से ठहरे हम लोग यहाँ पर आखिर गया तो गया कहाँ हमारा बच्चा पूरा मोहल्ला ढूंढ लिया अभी तक नहीं मिला हमारा बच्चा आपके बच्चे ये क्या सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी वजह से स्कूल का नाम बदनाम हो रहा है कितनी मुसीबतें उठा के पाली मेरे बच्चे को मैं तुम्हार को औलाद होती तो मालूम होता था या अल्लाह कहाँ गया मेरा बच्चा पुलिस में कम्प्लेन करे तो इन लोग को मालूम होता आखिर बच्चा गया कहाँ सर मैं कब से बोल रही हूँ लड़का ऑटो में चला गया अरे हमारा ऑटो वाला तो बाहर ही छे सर जिस ऑटो में वो गया है मैंने समझा कि वो इन्हीं का ऑटो है पूछना चाहिए था ना वो ऑटो था किसका सर सर आई डोंट नो आई हैव रिसेंटली जॉइंड द स्कूल सर दैट्स नॉट द एक्सक्यूज शबनम इट इज अवर स्कूल्स प्रेस्टीज सलमान भाई क्या वो क्या बात है शबनम कैसे रो रहे सब ठीक तो है ना शबनम दीदी का क्लास का बच्चा गायब हो गया बच्चे के अम्मा बाबा पुलिस में कम्प्लेन कर तुम बोले कौन की ऑटो वाला ले गया कहते आप लोग परेशान मत होइए जी कोई कम्प्लेंट विम्प्लेंट करने की जरूरत नहीं है एक घंटे में आप लोगों का बच्चा आपके घर में रहेगा प्रिंसिपल साहब हैदराबाद शहर में ऐसा कौन सा ऑटो वाला है जिसको सलमान नहीं जानता शबनम आओ मेरे साथ ओके लेट्स सी नहीं तुम यहीं रुको आप कहाँ जा रहे हो सिग्नल का नहीं इस शहर में हर सिग्नल पर सिर्फ पिच्छू यादव के बच्चे भीख मांगेंगे जी भाई कौन है देख कौन है तू पिच्छू से मिलना क्या होना दो घंटे पहले जो माल आया वो मेरे खोना तू कहीं को बीच में पड़ रहा ये मेरा पर्सनल मामला है मामला कुछ भी हो सीए साहब को मामूल तो टाइम पे पहुंच रहा ना बात अगर पैसों की है ये ले ये रहा आपकी क्लास का बच्चा अब तो खुश हो ना बहुत आप कल मिलिए कितने बजे कहाँ और कैसे आप ही बोल दीजिए जहाँ पे तुम मेरी जान बचाई बोलो शबनम मुझे क्यों बुलाए आपने मुझसे झूठ क्यों बोला क्या बोले मैं कुछ समझा नहीं कल की बात मुझे हासिल करने के लिए बच्चे को किडनैप करने की क्या जरूरत थी आपको तुम गलत सोच रहे हो शबनम मैं इतना गिरा हुआ इंसान भी नहीं हूँ तो आप कैसे जानते थे कि बच्चा वहीं पर था शबनम मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं कि मैं बोल नहीं सकता और तुम समझ नहीं सकते बस तुम मुझ पर यकीन करो कैसे यकीन कर लूं? आप अपने बारे में खुल के बताएंगे भी आखिर राज क्या है आप मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो ये बात सच है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ शबनम समझो मेरा वो बच्चे को बचाना इससे कोई ताल्लुक नहीं है शबनम मैं कैसे मान लूं कि आप सच बोल रहे हो वो तो मैं ऐसे ही साबित कर सकता हूँ आपने मेरे लिए बच्चे को बचाया बस इतनी सी बात के लिए मैं आपसे प्यार कर लूं? बचपन बोलना पड़ेगा पूछो क्या सच बोलूं? सब कुछ अपने बारे में पैसों के लिए कुछ भी कर दूं गांजा चरस ड्रग्स अफीम ये सब बेचने वालों से मिला हुआ हूँ और बड़े लोग जो दो नंबर के कारोबार करते उसमें उन लोगों की मदद करता हूँ अच्छा और पुलिस का मखबर भी हूँ
ये शहर में जो छोटे बच्चों को किडनैप करते उन लोगों को भी पसंद होते। आपकी दुआ से ये सब कारोबार करके बहुत पैसे कमाया। अब बोलो और क्या सुनना है? आप मुझे बचपन से ढूंढ रहे हो और सच्चे दिल से प्यार भी कर रहे हो, लेकिन आप जो जिंदगी जी रहे हो वो गलत है। आपको बदलना पड़ेगा। हम दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होगा, अगर आप सच्चाई के रास्ते पर जी सकते हो तो मैं आपकी हो सकती हूँ। आपके पास 30 दिन का वक्त, अगले महीने 20 तारीख तक आप जितने भी गैर कानूनी काम करते हैं वो छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ मेहनत की रोटी कमाना पड़ेगा। और एक बात गौर से सुनिए, कभी भी किसी भी वक्त किसी के भी साथ कुछ भी हो जाए सच ही बोलना पड़ेगा आपको। मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि आज से मैं सच बोलूँगा और सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। दिल की भी क्या किस्मत है, सही जगह चिपकी हुई है। क्या देख रहे हो आप? कमर देख रहा हूँ। अब्बा सही बोले तो भैरी, यही चाहिए था। या उस्ताद, मामला क्या हुआ? टीचर क्या बोले? मीटर सट हो गया जैसा दिख रहा। उस्ताद शुरू हो गया, सिगरेट नहीं पीना बोले शायद। मेरे उस्ताद तुम कुछ अलग ही मूड में दिख रहे। दो सेकंड में मूड बनाता हूं। दारू पे भी पाबंदी नहीं है, फिर क्या बात है मूड में नहीं आ रहे तुम? टाइम आए सब बोलता हूँ। अब मेरे हाथ साफ करने का टाइम आ गया। ABCDEFG तुम तेरी की तेरी भाई, मेरी पॉकेट मार दिया कोई? यहीं पे मार दिया, इसलिए पूछ रहा हूँ आप किसी को देखे क्या? इनेच मारा, बाहर निकल रहे भाई। मेरे पास था सच बोला रे। सच बोले? तुम्हारे सच बोलने से मेरी टूट पूरी फूट गई ना। तेरी भाभी झूठ नहीं बोलना बोली रे। भाभी सच बोलो बोले तो बोल देते उस्ताद, मेरी जी फूट गई ना माँ। अरे ये पॉकेट मार कुछ छोड़, वो कुछ नहीं वाला कुत्ता फिरा रहा देख। अब मैं कैसे? पुराना सामान दे दो, चने ले लो, पुराना ऑटो भी चलता। किधर से पुराना ऑटो दिख रहा है तेरे को? आंखों में किसका लगा लिया? अरे बच्चों को छेड़ रहा, मेरी वाली है रोज ऐसी देती। अरे जोर मरा है कहते यार, तुम्हें बुरा यही चल रहा। अरे नहीं हूँ, मैं पहचाने तुम, मैं बाजू को जानवर आके बैठा समझी, ये क्या हालत कर ली है? ये सब सलमान भाई की वजह से हुआ। सलमान भाई बोले तो याद आया, शबनम दीदी उन्हें सुधार दी, बोलते जो भी बोलना सच बोलना कहते। शांत अपन क्या करेंगे? फेरो जी ये आलतू फालतू काम छोड़ दो, तुम भी सलमान भाई के जैसा सच बोलना शुरू कर दो, ठीक है? अब मैं कैसी लग रही हूँ? खुद को कभी आईने में देखी? बंदरनी तो भी अच्छी दिखती। इतने खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ मेरे को देखते थे, लेकिन मेरी शराफत थी उन लोगों को नहीं देखता था। आए क्या तो भी बक रहे जी, तुम भूल गए हो दीना सीटी बजा के मेरे पीछे पीछे घूमते थे,
मेरी ऐश्वर्या, मेरी जान, मेरे गुलाब जामुन बोल के खुद ही मेरे गले बढ़ते थे। वो सब तेरे दिल को फैलाने को बोलता था। तेरे को कैसा बर्दाश्त कर रहा हूँ मेरे दिल को मालूम है। नको नको, ये झूठ सच नको, पहले जैसे थे वैसे रहना। मेरी जान, अब तू ऐश्वर्या लग रही है। तुम भी अभिषेक बच्चन लग रहे हो। समझ गई ने। समझ गया ने। अन्ना, अन्ना जरा नीला बॉटल ले वा। हेलो भाई साहब, जरा पानी का बॉटल लियो। भैया, 50 लग गई ना तुझे, मैं पिलाता हूँ तुझे। सिर्फ ये नहीं, ये सब चल जाएगा। तेजाब है इसमें, तेजाब है इसमें, तेजाब। पूछा मैं इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा है तो क्या चक मार रहा है? क्या यहाँ से बॉम्बे दिल्ली लखनऊ के माफिया को उठाने के बाद एसीपी खान होता है। नहीं आयुषु, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में आज भी ईमानदार लोग हैं, और वैसे भी कोई भी पैदाइशी बेमान थोड़ी होता है। बस हालात कई बार वजह बन जाता है ना। बल्दिया मूर्ति के घर को चली। नहीं साहब, अब मैं वो कामा पूरे छोड़ दिया। मेरे साथ पैसेंजर है, जाने दो मेरे को। इट्स ओके सलमान, हमें कुछ शॉपिंग है पास में, तो चलते हैं। आप ये पैसे लीजिए। इसकी क्या जरूरत है? मेहनत की कमाई है। चल। ఏంటి తల్లి? ఓకే, ఐఫోన్ ఏగా నేను చూసుకుంటా। సాప్ పైసలు కూర్చో। సర్వీస్ లో ఉండగానే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలండి। ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకోవడానికి అన్ని రెడీ చేసి, నో ప్రాబ్లం। నయా నోటా హై, జల్దీ లే లో। కూర్చోవయ్యా, కూర్చో, నేను తీసుకుంటా। నీకు ఎందుకు? ఆదివారం కూడా లక్ష్మీదేవి వచ్చినట్టుంది। ఏక రాజా ఆజా ఆజా ఆజా। అరే సల్మాన్ భాయ్, మేరీ జాన్, కిస్కో లాయా, కిస్కో పర్మిషన్ దేనా భాయ్? ఆప్ కౌన్ హై? एसीपी खान। अरे ये पैसे ले लो सिंह, सब तलाश करो। रहमान, मुझे नहीं छोड़ना। और क्या क्या छुपा है इसमें? बंजारा हिल्स का 500 गज का प्लॉट आ गया, शमशाबाद का फार्म हाउस आ गया, पिल्लर नंबर 143 का अपार्टमेंट का प्लॉट भी आ गया ना। और मेरे को तो इतना ही मालूम है सब। तेरे को क्या मालूम है रे, अग्रीमेंट में थोड़े शर्तें बदलना पड़ता। और सुन, पहले बोल रहा हूँ, मेरे को शबनम से काम है। जर्री आवाज नहीं आना, वो शायर को कानो कान खबर नहीं होना। अरे क्या उस्ताद, खानदानी चोरों ऐसा खामोशी में। मैं तेरे को पहले बोला जर्री भी आवाज नहीं आना बोल के, पूरी कार्रवाई बैगन में मिला दे रहा तू। चल आगे चल। दादा मैं भाई, आवाज नहीं आना, आगे रह दो, पीछे पीछे रह दो, आगे। ओहो जनाबे वाला, हमारे मोहल्ले में किसकी सवारी लेकर आए हैं आज? खैर छोड़ो, अभी पकड़ा ही नहीं। एक ताजा गजल हो गई है, वो भी आज ही हुई है। अर्ज किया है मेरे को अर्जेंट है। हाँ समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ मैं। ऐसा कीजिए, यहाँ से दाएं मुड़ जाइए, इधर नहीं,
उधर उधर मैं ऑटो वाला हूँ, राइट में सिग्नल के लेफ्ट में आता हूँ। खैर छोड़िए, वो कहीं भी जाने दे, एक ताजा गजल हुई है, आइए बैठिए सुनाते हैं। खैर छोड़िए जनाब, आपका इसमें शरीफ गुलबर्गा शरीफ। मैं आपका नाम पूछा, मुकाम नहीं। मैं समझा आप मेरा मुकाम पूछ रहे। गुलबर्गा शरीफ की जो है मामूपुरी बहुत मशहूर है, लेकिन आप ये कोलापुरी के जैसे क्यों है? खैर छोड़िए, एक ताजा गजल आज ही हुई है। याद इर्शाद इर्शाद, एक ताजा, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, जमीन से आसमान तक, हवाई हवा है कुछ भी नहीं है। वाह 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 वाह। शबनम, हाँ, आप इस तरह छुप छुप के क्यों आ रहे हो? तुम्हारी इजाजत लेने। किस बात की? छोटे छोटे झूठ बोलने की। हाँ, जैसे कि? जैसे कि पुलिस वालों से, मेरे दोस्तों से, और मेरे घर वालों से, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल है ना इजाजत। थैंक यू। एक सेकेंड, ये एग्रीमेंट है ना, कैंसिल। नहीं, कौन कहता है कि सच बोलना मुश्किल है? मैं सच ही बोलूंगा, सच के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और ये एग्रीमेंट वही रखना, ये वही सेफ है। दूर से किसी ने मुझे शायर कह के पुकारा। वाह 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 वाह। दूर से किसी ने, अच्छा, मुझे शायर कह के पुकारा, पलट कर मैंने कहा तुम ही तो हो मेरा सहारा। वाह 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 वाह। उसने आकर मेरे कान पे मारा, मैंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लखनऊ के पागलखाने में था। इतनी भी जल्दी क्या है, आपके लिए भी चंद नए अशआर बोलता हूँ। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस लड़की को कहीं देखा है आपने? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गर्ल्स। बॉयज, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। नमस्ते। नमस्ते, बोलो प्रॉब्लम क्या है? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर, और हमको आपकी मदद चाहिए। हम शादी करना चाहते हैं, हम अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, और हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारे प्यार को आपकी मदद भी चाहिए। इसमें पुलिस क्या कर सकती है, दोनों मेजर लग रहे, तो कर लो शादी। हम बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं सर, आप बहुत महान हैं, हमें आपके बच्चे समझ के हमारी शादी करा दीजिए सर। ठीक है, करता हूँ तुम्हारी मदद। आज के बाद दुनिया का कोई भी ताकत तुम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती, मेरा वादा है। हम यहीं पर जाते हैं डैडी। अनुष्का, तुम क्या, है मजाक है? हाँ डैडी, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या है रे, मेरे लड़की के साथ? आजकल तुम लौंडों को कुछ काम धंधा नहीं रहता, कोई भी लड़की दिख गई तो शादी करने निकल जाते। यही हिम्मत, रुकिए, क्या औकात है तेरा? डैडी मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ सुना नहीं। डैडी, आप जिस औकात की बात कर रहे हैं, ये हमसे भी बहुत बड़े है। रेड्डी कंस्ट्रक्शन के एक लौते एक वारिस है। माधव रेड्डी साहब के बेटे? हाँ। हैं। हाँ सर, आई एम अर्जुन रेड्डी, रेड्डी ग्रुप ऑफ कंपनी सीईओ। ठीक है, मैं माधव रेड्डी साहब से बात करूंगा।
मटेरियल का क्वालिटी चेक कर लो सुरेश, अपना कंपनी का नाम खराब नहीं होना। यस सर, चलो रे। नमस्ते माधव रेड्डी साहब। आइए आइए भोपाल जी, कैसे हैं आप? आपसे कुछ जरूरी बात करना है। सब बताया, मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ। जी साहब, आप तो जानते हैं शहर में मेरी कितनी इज्जत है, उसका ख्याल रखिए। वो तो मैं जानता हूँ साहब, मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता साहब। यकीन मानो साहब, दोनों मेड फॉर ईच अदर है। शादी जबरदस्त करूंगा साहब। वो सब तो ठीक है, कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने बेटे के खुशी के लिए और अपने इज्जत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपके ऊपर या आपके खानदान के ऊपर कोई भी बदनामी का धब्बा नजर आया तो बारात मंडप से भी वापस जा सकती है। आप बेफिक्र रहिए, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं चलता हूँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, निकलता हूँ। ठीक है, मिलेंगे। थैंक यू। बैठिए। मुबारक हो जी, अपनी शादी होके 25 साल हो चुके। और 25 साल से तुम मेरी पूजा कर रही हो। आप तो मेरे देवता है, पति परमेश्वर है। और तुम ये घर को मंदिर बना दिए। आज भी आपको काम पे जाना है। वो तो मालूम है, वैसे भी पच्चीस साल से नहीं छिए, अब क्या छूंगे। छूंगा, मेरे को जाना है, मैं काम पे जा रहा हूँ, जाने का। सुनिए, गोदान भाई पैसे दो, मैं चलता हूँ। फूला लेके अंदर चलो। ये सब मेरे से अब नहीं होता। वैसे भी तुम करे क्या बोल के, हर चीज का अरेंजमेंट मैं कर लिया, खाली फूला लेके अंदर चलो बोल रहा हूँ। पूरे अरेंजमेंट ना तुम ही कर लेना, अब ये भी अंदर लेके तुम ही जाओ। ये सब मेरे से अब नहीं होता। तुम्हारे को खाली ये फोन मेंटेन करना है, 2000 रूपए देता हूँ। अरे सुन भाई, 2000 रूपए एक्स्ट्रा देता हूँ। अरे 2100 ले ले, 2300 कर ले, चल पूरे 25 कर भाई जा। अगर इसकी जोरू का फोन आया तो गया काम से ही नहीं आज। क्या कुछ आएंगे आप? दूध बड़ा खा लीजिए। तो फिर आपको जिला खाना पड़ेगा। आपको जिला भी खाना पड़ेगा। अब क्या करूँ दादा, तुमको भी बोलोगे क्या करूँ, फोन आया तो मैं ऐसे कामा करता कहीं को फंसता कहीं को, जो मुँह को आया बोल दे। तुम्हारे क्या जी, जो मुँह को आया बोल देते मेरे को। अब तेरी जोर का फोन आया तो क्या बोलो रे, मर गया बोल दे। मेरी कभी भी इतना नहीं फटी होगी। कब से इस प्यासी जमीन पे एक पानी की बूंद तक ना गिरी, मगर आज यहाँ तूफान आएगा। सुहाग दिन है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, पहली बार सुहाग दिन का घूंघट उठा रहा हूँ। ने कर रहा, डरना मेरे को पड़ रहा। अम्मा आया, अम्मा गिड्डे तेरे को जूता लेके मारना रे, तेरी जोर का फोन आ गया रे। हेलो मैडम, साहब कहाँ है? साहब गेस्ट हाउस के कमरे में है। कमरे में क्या कर रहे? सुहाग दिन मना रहे। सुहाग दिन वहाँ किसे बना रहे? सालगिरह हमारी है। उन्होंने एक खुला लिए यहाँ। सलमान कौन है वो? होंगी कोई चालू औरत। कब से चल रहा रे? मैडम ये तो फिल्म में फर्स्ट हाफ से चल रहा। सलमान सच बोलो। मैडम मैं सच ही बोल रहा हूँ, सच के अलावा और कुछ भी नहीं बोल रहा। अगर कोई शराब पिलाए तो मैं नहीं बोल रहा। बहुत अच्छे, मैं आ रही हूँ। तुम्हारा मैडम। अम्मा तो फिर कोदन का लास्ट सीन है ये फिल्म में, तू गया काम से। सिंपल लेडी होना देखो, मैं तुम्हें क्या कमी रहे देखो, मेरी तो तेरे साथ फोन पे करे बोले कि क्या कर रही है साइंस बोले मेरे पर चक्कर रही अनको ले अरे वो खाली बोली आठ वाले की बातों में आ गई क्या सही काम कर रही है मरत के बोल चक्कर दी मेरी पागल अम्मा क्या बोल रहे कुछ भी नहीं अम्मा
ये क्या किया आपने? आपको क्या चाहिए मैडम? जो एक मर्द अपनी औरत से एक्सपेक्ट करता है, मगर कोदन भाई का टेस्ट थोड़ा अलग है, मैं मानता हूं। कोदन भाई अब आप संभालिए, आपके ऐसे तो मैं भी कर सकती थी, पैसे गंवाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा तो आज अचूत दिन है ना? आज मेरा अचूत व्रत नहीं है, अगर आप मुझे आज नहीं छुए ना आपको मैं चीर पार डालूंगी। हाँ समझ में आया? तो आज अपन सुहाग दिन मना लेंगे। Come on बेबी, बाहर अंदर चलो चलो चलो, इन्हें आ जाए 25 साल के बाद लाइन पे। योर वीजा इज एक्सपायर्ड, फिर भी तू हैदराबाद में है, बता तुझे ये ड्रग्स कहाँ से मिले, वरना इतना अंदर कर दूंगा कि जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएगा। बता क्या नाम है इसका? नाम बोल उसका, बोल उसका नाम बोल। वन पर्सन, वल्ला आई डोंट नो सर, वन गाय सेंड मी, हिज नेम इज सोलमोन। पूरा एरिया सीज करो। कर रहा है बोल मेरे को, बोल रहे किसके भी वास्ते कर रहे होंगे, ठीक नहीं कर रहे, अगर जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार? कैसे हो सलमान? अभी ठीक है, डॉक्टर साहब बोले अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जख्म छोटा है। ठीक है ठीक है, हॉस्पिटल में रह के तू बहुत सूख गया, मैं अब भी जाके डॉक्टर साहब से बात करके तेरे को आज ही लेके जाती हूँ, चल आशु मेरे साथ अपन बात करेंगे। तेरे को क्या दावत दे के बोलना, निक्सीन क्या है समझ जा। तुम्हारा कोई एक नहीं चार गोलियां लगे तो भी नहीं सुधरते तुम। मुबारक हो, ये तो अभी शुरुआत है, मंजिल बहुत दूर है, चाहो तो एग्रीमेंट तोड़ सकते हो। इफ्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत ज्यादा जिद्दी अख्तर भाई, इस महीने के 20 तारीख को मेरे बेटे अर्जुन की शादी। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू, आप लोग जरूर आना। दावतनामा देने की क्या जरूरत थी, हम तो आपके फैमिली मेंबर हैं, घर के आदमी हैं हम आपके। सहूलत की बात यह है कि आप लोग हैदराबाद में हैं, वरना मुझे लखनऊ आना पड़ता। भाई साहब बहुत बहुत मुबारक आपको। शुक्रिया भाभी। हाय आंटी, कैसे हैं आप? शबनम बेटी आओ, कितने बड़ी हो गए आप।
बचपन में कितनी शरारत करती थी, स्विमिंग सीखने के लिए बहुत जिद करती थी। भाभी अख्तर भाई शबनम के हाथ कप पीने कर रहे। भाभी आप ही ने तो कहा ना वो दीदी है, आप ही बोल दीजिए उसको। आंटी प्लीज आंटी अब छोड़िए ना। ऐसु बेटा तू पहले आ जाना, शादी के बहुत सारे काम। ठीक है ठीक है, चलो कुछ तो लीजिए, कम से कम मुंह तो मीठा कीजिए। हम लोग चलते हैं, चलते हैं। साहब आपने तो चाय भी नहीं पिया, अरे कम से कम मेरे चंद मीठे अशार। नहीं शादी में तो आपका मुशायरे का प्रोग्राम। शादी में जरूर आना। बेटी अब तो जमाना भी पूछेगा, अब तो अपने बारे में सोचो। अम्मी जान शायद अर्जुन भैया की शादी के दिन आपको भी कुछ पता चल जाए। सलमान शहर में तेरे बहुत चर्चे हो रहे, ये देख। सलमान की मदद से ड्रग माफिया लॉर्ड शहर का जो बना न्यूज में बहुत आ रहा, ये बात ध्यान से सुन ले। माधव रेड्डी साहब का बेटे के साथ मेरे बेटे का रिश्ता तय हुआ। माधव रेड्डी साहब का और मेरे इज्जत का सवाल है, जरा भी गड़बड़ हुआ गांजा का निशाना गलत हो सकता, पुलिस वाले का नहीं। हेलो, अरे बड़े भाई पैसे ज्यादा हो गए क्या? वो सिल्वर के बाल ये भी नोटा बंद होने वाले हैं क्या, ऐसा देखे जा रहा है? अरे आप एक दो दिन आराम तो करना था। हाय आपको देखे बिना आराम कहाँ। फिल्मी डायलॉग भाई। कहीं देखा है? जी नहीं, कहीं को ढूंढ रहे। मुझे तलाश है इस लड़की की। अरे भाई साहब ये फोटो पुलिस स्टेशन में दे दो, उन लोग एक दिन में ढूंढ लेंगे। आधी पावन दिख रही मुझे। बच्चे को बचाया था ना? हाँ। वैसे वहाँ पे और भी बच्चे होंगे ना सलमान? मैं भी बहुत सारे होंगे। क्या हम सबको बचा नहीं सकते हैं क्या सलमान? अरे सारी दुनिया भर का बोझ मेरे सर पे नहीं ले सकता मैं। सारी दुनिया का बोझ क्या कह रहे हो? अगर उस जगह हमारे बच्चे होते तो क्या तभी भी नहीं बचाओगे तुम? हमारे बच्चे? हाँ कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनको भी बचाने नहीं जाओगे क्या तुम? आज के बाद पूरे हैदराबाद शहर में कोई भी बच्चा भीख मांगते हुए नजर नहीं आएगा। सलमान संभाल के। मेरी फिक्र मत करो, तुम बच्चों के साथ ही आऊंगा। हेलो, हाँ खान अंकल
मैं और सलमान पहुंच गए, अब जल्दी आ जाइए ना। सलमान, दीक्षु से मिलना है। बच्चों के हाथ पर टूटे हुए रहेंगे तो कलेक्शन ज्यादा होगा। क्या बात है सलमान, तू आजकल बहुत मशहूर होते जा रहा। पेपरों में, टीवीओं में, खैर छोड़, कितने बच्चे ले आने, कितने पैसे लाया? पूरे, और वो भी सब कुछ फुकट में। देख सलमान, अगर पैसों की बात है, जो परसों तू देके बच्चे को लेके गया था, नहीं, भाई कुत्ते को हड्डी डाले तो दुम डाले कैसे जा रहा भाई। तुम पीछे के रास्ते से जाके बच्चों को देखो। मैं भी हैदराबाद का ताने जाए।
जान जा, तू है वजह मोहब्बत की रुत को तू जान ले। पता नहीं कब तुझे मैं दुल्हन बनते हुए देखूंगी और कब ऐसे घूंघट में देखूंगी। ऐसे शर्माते नहीं बेटा, तेरे लिए कोई न कोई शहजादा होगा, अब रहने देना थोड़ी देर। दीदी
तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। मुझे? मुझे कौन ढूंढ रहा है? कौन है कि पता नहीं, गोरा लंबा दुबला था, सिल्वर के बाल थे और दीदी का फोटो लेकर घूम रहा था। फिर तो वो तबरेजी है। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी क्या हुआ मुझे बोलो, क्या हुआ? हम हैदराबाद आने से पहले लखनऊ में रहते थे। वहाँ राइडिंग क्लब में तबरेज मेरा पीछा करता था। वो इंसान नहीं, हैवान है। भूले से मुस्कुरा जो दिए थे वो एक दिन, मत पूछ वलवले दिले ना कर दकार के, एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी चार दिन। देखे है हमने हौसले परवरदिगार के। चलना रुको, लड़कियों की कमी नहीं है शबनम हमारे पास। हमारा दिल तुम पर फिदा है शबनम। हमारी बात सुनो शबनम, हमारा बैग लेकर आओ। फिर चाहे तू किसी की भी हो जा। शबनम, तुम्हारे पूरे शिजरे का पता है हमें शबनम। तुम कहीं भी चली जाओ, ढूंढ के निकालूंगा और जिस दिन तुम मुझे मिली वो हशर करूंगा। तुम्हारा आईने के नाम से कांपने लगोगी। दीदी संभालो प्लीज, लो जूस पी लो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आइए आइए खान मियां, आप ही का इंतजार था। तशरीफ रखिए। बोलिए भाईजान, कैसे याद किए आप? वो लखनऊ का चल रहा था, यहाँ तक आ गया भाई साहब। कोई फोटो या कोई पहचान है उसकी? वो गोरा लंबा सा था और उसकी लंबी नाक सिल्वर के बाल थे। सर वो दीदी का फोटो लेकर घूम रहा था, पता नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। खान अंकल एक मिनट। जी बेटा। भाईजान घबराइए मत, मैं देख लूंगा। मामला उस्ताद, इंडियन रेसिंग धूम मचा रहे। मामला नहीं रे, आज मेरी जिंदगी के फैसले का दिन है। अच्छा आज 20 तारीख है इसलिए तुम दूल्हे बन के आए? बोलो तू चुप रहे, चलो चलो अब आठवां निकालो। आज सीए साहब के बेटी की शादी है, क्या बम का स्ट्राइक चल रहा, पेमेंट के साथ साथ खाने पीने का गाला भी रख दिया। ऑटो में दूल्हा दुल्हन को पूरा हैदराबाद घुमाएंगे। अरे तू चुप बैठ रहे, तेरे को कौन लेके जा रहा, वहाँ कुछ गड़बड़ करेगा। सलमान भाई की इज्जत का मामला है, वो शादी खाना है, कोई सेमदी कंपोर्ट नहीं है। चलो रे जल्दी गाड़ी निकालो। अब तो क्लाइमेक्स को आ गए, चने ले लो आटो दे दो। तेरी चने पॉइंट उतारे कांदा ना बोलते चने तो मस्करा दिख रहा है। की पूरी ट्रेन निकाल देगा। अच्छा मैं को नहीं लेके जाते, तुम लोगों को देख लूंगा कोई शक। इस लड़की को कहीं देखा है? देखा। आपने देखा है? मैं देखा भाजो। अच्छा इस लड़की को कहीं देखा है? देखा। तूने देखा है? क्यों नहीं देखा, इसी शहर में रहता है ना, आंख बंद करके घूमता है क्या बेटा? माफ करना भाई, जा जा। एक महीना हो गया। हालात दिख रहा क्या? इस लड़की को देखा है आपने? औरतों को नहीं देखा। सुन इस लड़की को कहीं देखा है? बोटा जरा दूर रखो, मेरी खरीफ की नजर कमजोर है। अभी दिख रहा, खुला दिख रहा, देखा सलमान के साथ देखा। मुझे सलमान तक पहुंचा दो। देर किस बात की, चलो सलमान मिल जाता।
खलील जरा। जी भैया। वो साजिद को फूल वाले कने जाके जल्दी ले लेके आओ, बोल समझा ना। हाँ, गाड़ियां पूरी यहीं रहने दे, चलो तुम ना। ठीक है भाई। जी भैया ओके। हाँ नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो हेलो माइक चेक कर रहा हूँ 1 2 3। सलाम डाल के दे दे। मुबारक हो मुबारक हो, आजकल बहुत चर्चे चल रहे हैं शहर में आपके। अरे नहीं नहीं, इन्हें तो सलमान खान है, गली के पुतले। आज किसके मौत को दिन बुलाए, मौत के करीब तुम मारे हो शत्रुघ्न सिन्हा। आइए एमपी साहब। वेलकम। ये हमारा संदीप। आइए आइए सब। हमारा वाटर हमारे को दे दिए तो चले जाते। एक नहीं दो देता हूँ, तुम्हारा ढूंढते मैं ढूंढता हूँ। हाँ खाक सर एक छोटा मोटा शहर है, अगर इजाजत दे। अच्छा सुना दूं जी। सुनिए बिल्कुल। अर्ज क्या है कि बिरयानी बिरयानी की देख में जो घुस जाए उसे कबीर कहते हैं। बिरयानी की देख में जो घुस जाए उसे कबीर कहते हैं। चावल में दूध और शक्कर मिलाकर पका दो तो उसे खीर कहते हैं। जंग के मैदानों में जो चल जाए उसे शमशीर कहते हैं। दरवाजे में जो लग जाए उसे जंजीर कहते हैं। जनाबे वाला इतवार के दूसरे दिन जो आता है उसे पीर कहते हैं। हमारे शर्मिंदे साहब, अगर कोई मंके खाए तो उसे क्या कहते हैं? अरे यार मंके खाने वाले को फकीर कहते हैं। वाली वस्तु वाले बाजार चलो, इसका मतलब है कि जिसके सामान की हिफाजत उन्हों कर लेना, मेरा सामान मैं पकड़ लेता हूँ। वीडियो वाले भाई वो वीडियो वाले भाई, कोई चांदी का बाला वाला दिख रहा क्या? देखो उसके पास फुल बॉटल है, उसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है। सही टाइम पे मिला, मेरे को पी गए देखेंगे आओ। अरे वो साजिद 5 सेकंड में अगर 500 पाना ये शादी खाने में नहीं रहेंगे ना, ना तू रहेगा ना तेरा पान का डब्बा रहेगा। मालूम है ना ये किसके बेटी की शादी है? क्या हुआ शाहबत के पुतले, कैसी दिख रही हम लोगों की जोड़ी? बोलो बोलो। दूध पेड़े पे मखोड़ा चिपके ऐसा दिख रहा। ए चलो ये चलो। सलमान भाई ये लीजिए शाही बादाम नूर मुसल्लम, चक्के देखिए कैसा है। बोलूं पूरा आटा मिला के लेके चल हट। क्यों भाई इधर क्या हो रहा है? क्यों आए इधर? कुछ नहीं। बहुत खुश लग रहा है सलमान, लगता है तू जीतने वाला है। चल अब तेरा आखिरी सच भी बता दे। मूर्ति भिक्षु गांजा को तो तूने पकड़ा दिया, मगर इन सब कारनामों के पीछे असली मोहरा कौन है बता। मुझे मालूम है कि वो शख्स यही है। सलमान सच को छुपाना भी झूठ से बड़ा गुनाह है। ये पहले शादी तो हो जान दो साहब। नहीं वो सच अभी अभी बोलना पड़ेगा। ये क्या तमाशा है, कहीं उनका निशाना तुम तो नहीं? हाँ बोल सलमान बोल। ये सब करने वाला कोई और नहीं। हाँ बोल। मैं हूँ। शबनम, इसका मतलब ये तबरेज है, हॉस्पिटल लेके जाओ उसको। यस सर चल।
आखिरी सेकंड में इल्जाम अपने ऊपर लेकर शादी तो करा दी, जीते या हारे। मैं सोचा नहीं था कि आप सरेंडर हो जाओगे। सलमान की सच्चाई ने आपको बदल दिया। आओ सलमान। सलमान, तू मेरा और मेरा बेटी का इज्जत बचाया। तेरी सच्चाई ने मेरे आंखें खोल दी। मालूम नहीं मैं तुझे कैसा शुक्रिया अदा करूं। आप मेरे उस्ताद हैं। एक लड़की की जिंदगी से कीमती क्या हो सकता है। ऐसे भी साहब, मुझे पता भी नहीं था कि आप शबनम के मामू हैं, मगर ये सब मेरी जिंदगी बदलने के लिए आप कोशिश करें। शुक्रिया साहब। जो ये सच और झूठ की चक्कर में मैं कहां पहुंच गया मेरे को ही पता नहीं। अरे तुमला सब जने कहीं को आया यहाँ पे? ले तड़प रहा था ना ऐसी होना वैसी होना बोल के, तेरे वास्ते गोरी गुमटी दुल्हन सजा को लेकर आई हूँ। अब तिला विला तू देख ले। गोरी गुमटी शबनम? तुम्हारी दिलवाली। मैं तो हार गया। हार के भी जीत गई यार तुम।